आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बरदेव थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अध्यक्ष को आधुनिक विधि से इन्वेस्टिगेशन करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया कि वह थाने के समस्त पुलिस कर्मियों को इस बाबत ट्रेनिंग दे कि किस तरह से आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को बेहतर रूप से किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा थाना क्षेत्र बरदे में अपराध में कमी और अपराधियों पर लगातार कार्यवाही किए जाने पर थाना अध्यक्ष की सराहना की गई। पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई द्वारा आए मामले में लापरवाही बरतने पर थाने के एक सिपाही को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि उक्त पुलिसकर्मी द्वारा 12 दिन के बाद भी जन समस्या का निस्तारण नहीं कराया गया। उन्होंने थाना अध्यक्ष को संभव मामले में 72 घंटे के अंदर कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी दिए। बताते चले कि जिले में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए SP अनुराग आर्य ने अभियान चलाया हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के भीतर 30 आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है। इस अभियान के तहत लगातार संगठित अपराध करने वाली गैंग को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिससे आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। इसके तहत जिले में अब तक 13 गैंग रजिस्टर की जा चुकी है। इनमें प्रमुख रूप से गुरु प्रसाद गैंग, मुस्किम गैंग, दिनेश कुमार गैंग, हमजा गैंग, दीपक यादव गैंग, निजामुद्दीन गैंग, अमित सिंह गैंग, राकेश मिश्रा गैंग, नौसाद गैंग, योगेंद्र यादव गैंग, इम्तियाज गैंग, झिंकू यादव गैंग और नबी सरवर गैंग है। इसके साथ ही 112 अपराधियों की हिस्ट्री सीट खोली गई और गैंगस्टर के तहत 218 से अधिक अपराधियों पर कार्यवाही की गई। हुआ है इसके बारे में बताइए। आज मेरे द्वारा थाना बरदा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और जो क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट होती है उसके बारे में थाना अध्यक्ष को ट्रेनिंग दी गई है और इनको निर्देशित किया गया है कि थाने के जितने पुलिसकर्मी हैं उन सबको भी ये ट्रेन करेंगे, सबको बताएंगे कि किस प्रकार से आधुनिक विधियों का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को बेहतर रूप से किया जा सकता है। इसके साथ साथ थाना परिसर का निरीक्षण किया गया है, थाने के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया है, अपराध नियंत्रण में है और अपराधियों पर कार्रवाई थानाध्यक्ष के द्वारा लगातार की गई है। जन सुनवाई में कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिसमें से एक पुलिसकर्मी को मेरे द्वारा निलंबित किया जा रहा है। 12 दिन के बावजूद भी इनके द्वारा जो जन समस्याएं आई हैं उनका कोई निस्तारण नहीं कराया गया, इस वजह से इनको दंडित किया जा रहा है। थानाध्यक्ष को यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी पब्लिक के लोग आते हैं थाने में उनकी सुनवाई प्रॉपर तरीके से करें और ये सुनिश्चित करें कि 72 घंटे के अंदर मैक्सिमम जो भी पुलिस विभाग से न्याय संभव है वो न्याय संगत कार्रवाई हो जाए। अगर ऐसा प्रकरण है जिसमें किसी अन्य विभाग की आवश्यकता है तो उनसे भी संपर्क करके और समस्या का समाधान का प्रयास करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।